हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार बनने के बाद से संस्थाओं को बंद करने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मंडी में जयराम सरकार द्वारा खोले गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष के नेता ने सरकार पर विश्वविद्यालय के दायरे को कम करने को लेकर हमला बोला है, साथ ही सरकार पर भेदभाव का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्वविद्यालय के दायरे को कम करने के सवाल पर कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिना सुविधाओं के या विश्वविद्यालय खोल दिए। वास्तव में यह विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक कॉलेज है। सरकार ने विश्वविद्यालय को बंद करने का फैसला नहीं लिया है बल्कि उसके दायरे को कम किया है। जैसे ही अन्य सुविधाएं दी जाएंगी सरकार विश्वविद्यालय के कार्य को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने हर सोमवार को सचिवों के साथ बैठक लेने का निर्णय लिया है। आज तीसरे सोमवार को भी मुख्यमंत्री ने सचिवों के साथ बैठक की और आपदा से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र की मदद के बिना भी अपने स्तर पर हिमाचल प्रदेश में सड़कों को खोलने का युद्ध स्तर पर कार्य किया है। मदद के लिए यदि प्रधानमंत्री से या फिर गृह मंत्री से मिलना पड़ेगा तब वह दिल्ली जाएंगे। प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज के बोझ के सवाल पर सीएम ने कहा कि पिछली सरकार 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी। आपदा के बाद प्रदेश पर और आर्थिक बोझ पड़ा है। बावजूद इसके सरकार 4 साल में हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को बेहतर स्थिति में पहुंचाया जाएगा। न्यूज डेस्क एनालाइज। विश्वविद्यालय जो खुलता है उसके कोई नियम कानून होते हैं। आपने ठीक है कि चुनावों से 6 महीने पहले जयराम ठाकुर जी ने सरदार पटेल मंडी यूनिवर्सिटी खोली और खोली कहाँ, कॉलेज में, और उसके साथ कॉलेज को एफिलिएट कर दिया। जिस तरह स्कूल खोले ना उसमें टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, उसी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों के पेपर होने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप मुझे यूनिवर्सिटी का कोई ढांचा तो बता दीजिए, कहाँ उनकी बिल्डिंग बनी है। मंडी यूनिवर्सिटी से मंडी के कॉलेज को उन्हीं में एफिलिएट किया गया है और जो कॉलेज हमने वहाँ से निकाले हैं कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर कैसे होने चाहिए उस दृष्टिकोण से किया है। कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रहे हम पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के बाद हम जो पाएंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज शुरू किए जाते हैं वो डिसाइड करेंगे। कॉलेज ही है वो, यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी उसको नाम दे दिया क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव में फ़ायदा उठाना चाहते थे। हम जो भी काम कर रहे हैं हम ये देख के काम नहीं कर रहे कि हमने चुनावों में लड़ना चुनाव लड़ना है। हमने आपका राहत पहुँचाई है तो ये देख कर राहत पहुँचाइए कि आम आदमी के घर तक हमारी सरकार पहुँचे, हर गरीब के दरवाजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जा रहे हैं, रोज़ रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। और जहाँ तक मंडी यूनिवर्सिटी की बात है, मंडी यूनिवर्सिटी को कोई बंद करने का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो तरह तरह के शगुफे छोड़ेंगे और अपना ध्यान वो पत्रकारिता के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं, यही उनका मुख्य ध्येय है। देखिए सोमवार को सभी सेक्रेटरीज के साथ बैठक होती है, डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है और डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक आपदा की बात है, मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने जन्मदिन में आकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान हमें आपदा राहत कोष में मिल रहा है और आपदा राहत कोष में जो विपदा आई है उसमें आपदा राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं। मैं सभी जो प्रभावित परिवार है आपदा से उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में जो भी होगा वो आपदा के प्रभावित परिवारों को सही आकलन करके उनको जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। 8 महीने पहले सत्ता में आए 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश पर चढ़ा हुआ था। आप सब पत्रकार बंधु और सब आम नागरिकों पर 94,000 रुपये का कर्जा चढ़ा हुआ है। 10,000 करोड़ रुपये की सरकारी कर्मचारियों का वेतन तो लागू कर दिया लेकिन उनकी देनदारियां नहीं दी, तो 85,000 करोड़ रुपये ये हो गया।
उसके बाद भी हमारी आर्थिक तंगी के बाद हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उसमें हमने फाइनेंस नहीं देखा, उसमें उनका हमने देखा है कि वृद्धावस्था में सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया है। उसके बाद आपदा आई, आपदा में हमें राहत नहीं मिली, लेकिन पूरी सड़कें हमने खोल कर रखी, पूरी पानी की योजनाओं को हमने चालू करके रखा, 75,000 टूरिस्टों को यहाँ से निकाला। अब 12,000 करोड़ रुपये का हिमाचल प्रदेश को नुकसान है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है और कुछ में हम और तेजी ला रहे हैं। पहली बार है कि PWD IPH में टेंडर 60 दिन की बजाय 20 दिन के अंदर लग रहे थे, पहली बार है कि PWD में 3 दिन के अंदर हमने टेंडर लगा के सारी सड़कें खुलवाई। एक भी बागवान आज ये नहीं बोल सकता कि कहीं हमारी सड़कें ना खुली हो, हमने काम किया है। अभी हमारी हम अपने हिमाचल प्रदेश को 4 साल में आत्मनिर्भर बनाएंगे, 10 साल में हम प्रदेश का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य। 10 साल।